आज हम सीख रहे हैं सी प्लस प्लस में कि किस तरह इस नोटपैड की फाइल के अंदर जो हमने 10 नंबर इंटर किए हुए हैं इनको एरे की मदद से और लूप की मदद से कैसे एरे में लोड करके रीड करके और फिर हमको आउटपुट बना सकते हैं। अब देखिए उसके अंदर 10 नंबर कैसे हैं, मैं आपको समझाऊं कि मैंने इनको ऐसे सीक्वेंस पर लिखा हुआ है। अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिखूंगा तो ये अब ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर कंसीडर किया जाएगा, चाहे मैं स्पेस देके लिखूं चाहे इंटर देके लिखूं। और अगर मैं कंटिन्यूसली कितने नंबर ऐड कर दूंगा ये एक ही नंबर कंसीडर किया जाएगा। अब ये मैंने प्रोग्राम लिखा है आज का जिसको अभी हम समझना चाह रहे हैं और इसके अंदर हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से हम उस नोटपैड की फाइल को, अब नोटपैड की फाइल तो सी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन उसको कैसे एरे की हेल्प से उसको रीड करेंगे, यानी कि नोटपैड की फाइल का डेटा पूरा पूरा लोड करेंगे किसके अंदर, एरे के अंदर। और फिर एरे के अंदर लेने के बाद हम अपने एरे का आउटपुट बनाएंगे तो वो हमें वही नंबर शो कर देगा जो वो नोटपैड की फाइल से लेगा। अब इस काम को करने के लिए हम जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो ये हमारे कमेंट्स हैं, ये नोट कर लें, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये है कमेंट। और सबसे पहले अब हमने स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, वही आईओ स्ट्रीम फाइल ऐड करानी है और एक नई फाइल ऐड करानी है जिसका नाम है एस स्ट्रीम। कौन सी फाइल ऐड करानी है और फिर यूजिंग नेम है स्टैंडर्ड बताने के बाद इंटीजर मैन करना है और यहाँ पे इस ब्रैकेट को स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पर एक एरे एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर करना है जिसका नाम है, क्या नाम होगा, एरे साइज, और उसकी वैल्यू हमने 10 रखी है। और यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया नंबर के नाम से और उस एरे साइज को हमने उठा के इसके अंदर लिख दिया जिससे इस एरे की कितने एलिमेंट बनेंगे मेमोरी में, 10। और वो किस तरह बनेंगे हम समझ रहे हैं, समझे, एक्सेल की शीट पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये वो मेमोरी है। तो यहाँ पे हमने 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लिए और ये इसके मेमोरी के अंदर इसने रिजर्व कर लिया, 10 एलिमेंट बना दिए। और ये हमने इसका एरे का नाम मेमोरी में ऐसे बनेगा, सही समझ में आ रही। तो जब ये कोड चलेगा एक एरे स्ट्रिंग बनेगा और एक एरे इंटीजर क्रिएट हो जाएगा। फिर एक वेरिएबल लिया हमने काउंट 0 के नाम से, काउंट उसकी नाम है और 0 उसकी वैल्यू है। ये हमने क्या किया, ये फंक्शन हमने लिया है इस हेडर फाइल में से, ये ऐड कराएंगे तो आएगा। और इससे हमने क्रिएट किया ये एक इनपुट फाइल ऑब्जेक्ट, ये फाइल, ये फंक्शन काम करेगा फाइल को ओपन करने का, फाइल को क्लोज करने का, रीड करने का, राइट करने का। अब फाइल को ओपन कैसे करेंगे, देखिए फाइल जो ये वाली फाइल है इसको ओपन करने के लिए क्योंकि हमारे सी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये अलग से एक फाइल है, तो दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए। तो हम डायरेक्टली इनपुट फाइल मेथड लिख के ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसके अंदर ओपन का मेथड यूज करके डबल कोट्स में सेम नाम अपनी फाइल का लिख के विद एक्सटेंशन उसको ओपन करा सकते हैं। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो वो इस फाइल को ओपन कर लेगा, ओपन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के डेटा को अपने पास ले लेगा, लेकिन हाँ स्टोर तो करेगा, लेकिन हमें वो एरे का इसका डेटा जो है वो एरे के एलिमेंट में मुंतकिल करना है, यानी कि हमारा एरे है नंबर्स और उसके एक एक एलिमेंट में डेटा को ट्रांसफर करना है। इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एक फंक्शन यूज करेंगे राइट। वाइल क्या है, वाइल भी एक फंक्शन है जो फॉर लूप की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है,
फॉर लूप क्या काम करता है? प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता है। व्हाइल लूप भी ये काम करता है। चलो अभी इसको समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इस कोड को मैं डिसेबल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पूरी कोड को कर देता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं इसमें while स्टार्ट ब्रैकेट एंड ओवर, ये मैंने लिख दिया इसको फंक्शन को। अब यूज कैसे करेंगे, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंटीजर, एक वेरिएबल बना रहा हूँ काउंट, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख रहा हूँ 0, इसको कंडीशन बता रहा हूँ काउंट लेस देन 10। तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा। स्टार्ट कहां से होगा और कहां तक जाएगा? एक्सेलेंट। तो इसके आइटरेशन बनेंगे वो 10, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने कहा है कि वाइल का लूप चलेगा तब तक जब तक काउंट की वैल्यू 9 नहीं हो जाती, लेकिन आपने ये कहीं प्रोसेस तो बताई नहीं कि काउंट की वैल्यू 9 होगी कैसे। स्टार्ट तो हो रही है 0 से, आपने ये बताया कि वो 9 तक हो जाएगा कैसे। हम कह रहे हैं कि एहसन 10,000 रुपए महीना कमाएगा, तो हमने तो उसको कोई बताया नहीं 10,000 रुपए महीना कैसे कमाएगा। तो हमने ये बताया नहीं कि काउंट की वैल्यू 10 तक होगी कैसे। तो हमें यहाँ पे आगे बताना पड़ेगा काउंट की वैल्यू 10 तक जाने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि आइटरेटर तो लगाएगी ना, आइटरेटर लगाएंगे तो जाएगा ना 10 तक। आइटरेटर चक्कर लगाने वाला है, काउंटर लगाया हुआ ना, अगर ये हटा देंगे तो ये लूप इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलता रहेगा, क्योंकि वो कभी उसकी वैल्यू नो होगी नहीं, हो रही है दबा के रखेगा। तो 10 तक जाने के लिए हमने तरीका ही नहीं बताया आपको, ये तरीका बताएंगे तो जाएगा ना 10 तक। अच्छा, आप कह रहे हैं भाई 10 तक जब तक जा रहा है तब तक एक बीच का काम भी कर ले, यहाँ पे लिख दे सपोज टू बी व्हाइल लूप ही ऐसे ही प्रिंट कर दे और यहाँ न्यू लाइन भी लगा दे। रन करते हैं प्रोग्राम को, कह रहा सेव कर लो, लिख देते हैं व्हाइल लूप अंडरस्टैंडिंग, चल गया प्रोग्राम हमारा। तो देखिए वो इन्फिनिट हुआ है, क्या हुआ है? अब बोलेंगे सर आपने तो लिख दिया था फिर इन्फिनिट क्यों हुआ? तो देखो लूप के साथ जो पहली स्टेटमेंट लिखोगे लूप उसको परफॉर्म करेगा, दूसरी को परफॉर्म अगर दोनों को परफॉर्म कराना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्या बोला ब्रैकेट में पता नहीं क्या ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब ब्रैकेट का मकसद ये हो गया कि अब जितनी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखोगे सबको हर दफा परफॉर्म करेगा। देखो अब ये इन्फिनिटी होगा, समझ में आ गया व्हाइल का लूप कैसे काम कर रहा है? क्लियर? ओके, अब आ जाओ दोबारा इधर। तो हमने कहा कि भाई लूप चलाओ व्हाइल का, उसने कहा ठीक है कितनी बार चलाना है? तो उसने लिखा उस वक्त तक चलाते रहो काउंट की वैल्यू जब तक एरे साइज से एक स्टेप पीछे ना आ जाए। एरे साइज की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से और कहां तक जाएगा, और हर दफा में कितने प्लस करेगा? 1। तो लूप कितनी बार चलेगा? ठीक है 0 से लेकर 9 तक। अब आगे आपको परेशान करने के लिए इसने ये लाइन लिख दी। अब आपके लिए एक टास्क है कि आपने ये बताना है कि ये जो लाइन लिखी है बेसिकली क्यों लिखी है, क्या काम करेगी। अपनी जहानत से, अपनी जहानत से बता रहे हैं। हाँ शाबाश, क्या करेगी ये? वैसे तो ये इस कमांड को ऐसे भी लिख सकता था, कैसे
देखो इसको यहाँ से हटा देता ये, और इतने कोड को उठा के ये लिया था लूप के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा देता ब्रैकेट और उसको दूसरा ब्रैकेट यहाँ लगा देता। अब रन करते प्रोग्राम को, फिर यहाँ सेमी कॉलन लगा देता एक, सही है। लेकिन इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस लाइन को वाइल के लूप के साथ लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको लूप ऐसे ही समझाया ना, मैंने 10 लिखा, ये लिटरल कांस्टेंट है, इसने यहाँ पे नेम कांस्टेंट लिख दिया, ये भी तो कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है ना ऊपर, और फिर उसने एंड का साइन लगा के इसको कंटिन्यू कर दिया। यानी कि दो लाइन का कोड उसने कितने लाइन में कर दिया था, एक लाइन, हाँ दो लाइन का कोड एक में कर दिया ना उसने। हाँ, ये मतलब कोड लिखने की ब्यूटी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई जैसे फर्स्ट टाइम में जब लूप स्टार्ट होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब जब वो अंदर आएगा तो यहाँ पे इसको इनपुट फाइल का फंक्शन मिलेगा, ये फाइल का फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था, इसने फाइल को खोल के रखा हुआ है, फाइल को खोल के रखा हुआ है मतलब फाइल के अंदर का डेटा इसके पास है। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन कौन से फंक्शन में यूज करते हैं हम, ये वाली डायरेक्शन कौन से फंक्शन में यूज करते हैं, सीन, वेरी गुड। और सीन फंक्शन क्या काम करता है, क्या काम है सीन फंक्शन का, सीन फंक्शन का क्या काम है, इनपुट लेना, जब हम कोई वैल्यू डालेंगे तो वो वेरिएबल में सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन वाला काम हो रहा है, ये इनपुट फाइल इस फाइल में से डेटा ले रहा है एक एक करके, और इनपुट दे रहा है किसको, नंबर्स को। अब नंबर क्या है, नंबर क्या है, इंटीजर तो टाइप है, है क्या ये, अबे है क्या ये, क्या है, एरे, एरे बेटा ये एरे, पिछले बाउ फाउंडेशन तो याद रखो जिस टाइम काम करते। तो नंबर क्या है, एरे, नंबर एरे है। तो ये इनपुट फाइल डेटा ले रहा है इस नोटपैड की फाइल से और इनपुट दे रहा है एरे को। अब एरे के कौन से एलिमेंट को इनपुट देगा, यहाँ पे तो हमने काउंट लिख दिया, अब आ जाओ यहाँ पे, नंबर एरे के कितने एलिमेंट हैं, 10। और ये इनपुट किसको दे रहा है, हाँ किसको दे रहा है इनपुट, भाई ये इनपुट दे रहा है फाइल में से डेटा लेके, और ये इनपुट किसको दे रहा है, एरे को। तो एरे में तो 10 एलिमेंट हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट को, जब हम असाइनमेंट और इनपुट कर रहे होते हैं इन ब्रैकेट को क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो ये काउंट लिख दिया है, काउंट क्या है, काउंट बेटा एक वेरिएबल है ना, वाइल जब स्टार्ट करेगा तो काउंट की वैल्यू होगी जीरो, तो वो इनपुट देगा नंबर के जीरो एलिमेंट को। तो पहला नोटपैड का नंबर वो जाएगा हमारे इस वाले एलिमेंट में। अब वो पहला नंबर क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसको खोल के, पहला नंबर है 5000, तो 5000 ले जाके वो लिख देगा इसको, सही। अब नीचे आएंगे तो काउंट में एक जमा हो जाएगा, अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक जमा हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना बेटा, अब एक काउंट में एक जमा डालेंगे तुम तो बिल्कुल ही 1 हो जाएगी ना। अब 1 होके दोबारा से घूम के इधर आएगा, चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू 9 हो गई, नहीं हुई, चल भाई अंदर। फिर ये इनपुट देगा, अब पहला दे दिया तो दूसरा देगा नंबर, दोबारा एरे को देगा, अब एरे के कौन से एलिमेंट को देगा, 2, जिसका नंबर है 1। हाँ, अब दूसरी वैल्यू कौन सी है उसके अंदर, भाई वो फिर देखेगा जाके उसके अंदर दूसरी वैल्यू क्या है, 55, 55 जाके लिख देगा वो। ये सारा काम मेमोरी में हो रहा है, आपके सामने नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है। ये सारा डेटा इस तरह ये लूप चलेगा 10 बार,
और 10 के 10 एलिमेंट में 10 नंबर को वो भर देगा, लोड कर देगा। सही है भाई, ये एरे तो खाली था ना, नया एरे था, अब वो लोड हो गया। लोड होने के बाद अब हम ये कह रहे हैं प्रोग्राम में, जो तुमने नोटपैड की फाइल से नंबर लिए हैं एरे में, वो हमारे प्रोग्राम में दिखा दे, वो हमारे प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को दोबारा से आउटपुट ले लेंगे। तो वहां पर हमने आउटपुट लेने के लिए पहले इनपुट फाइल करके डॉट क्लोज किया, जिससे हमने फाइल को पहले क्या करना है, क्लोज, और यहां से एक मैसेज दिखाया द नंबर 7, और फिर फॉर के लूप के जरिए पूरे एरे को रीड करवा के उसका आउटपुट ले लिया। कैसे, हमने कहा काउंट की वैल्यू क्या है और कहां तक जाना है, 10 तक। तो कितनी बार लूप चलेगा, 10 बार, क्योंकि लेस देन है ना, और हर दफा कितने प्लस करने हैं, 1। तो फर्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सी आउट करा हमने, एरे का नाम लिखा, नंबर, और काउंट लिख दिया। तो कौन से एलिमेंट का डेटा जाहिर होगा, पहले एलिमेंट का जिसका नाम है 0, उसके बाद स्पेस, फिर दोबारा घूम के आएगा पहले एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, 9 दफा में 9 के 9 के एलिमेंट का डेटा ये आपके सामने रख देगा। अब इस डेटा को आप कॉमा के साथ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ कॉमा लगा दें, इस डेटा को न्यू लाइन के साथ दिखाना चाह रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दें। सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं नोटपैड की फाइल को खोलता हूँ, उसका डेटा को चेंज कर देता हूँ। ये खोला 2500 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4500, और यहाँ 3300 कर दिया, सेव कर दिया। अब दोबारा प्रोग्राम चला रहे हैं तो ये देखें डेटा को अपडेट करके दिखा रहे हैं। सही है। अब आपके लिए टास्क इसमें ये है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अभी हम नोटपैड की फाइल में कितने नंबर लिखेंगे, 10, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर ज्यादा लिखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर लिखे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम रीड कितने करेगा, 10 ही करेगा, 11 और 12 नहीं करेगा। 11 और 12 करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 12 करना पड़ेगा। जैसे इसको 12 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम अपडेट हो जाएगा और वो 12 के 12 नंबर को अपडेट करेगा, है ना। पर मैं ऐसे नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाएं कि अगर नोटपैड में 3 नंबर लिखे हुए तो 3 को रीड करे, 30 लिखे हुए 30 को रीड करे, 300 लिखे हुए 300 को रीड करें। हमें यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस आपने ये चेंजेस इस प्रोग्राम में कर लेनी है तो आपको ये प्रोग्राम समझना है। ये आपने सीखा क्या कि किस तरह हम एक नोटपैड की फाइल में जो नंबर वाला डेटा है उसको कैसे गेट करके एरे के अंदर फिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, और फिल करने के बाद उसको कैसे अपने पास प्रोग्राम में आउटपुट लेते हैं। सही है।